बाबर आजम ने जो है छक्का मार दिया इस पर कैसे कमेंट्री क्राउड oh, इंडो को पानी लगाने का काम करते हैं और साथ साथ कमेंट्री का शौक कैसे पैदा हो गया मेरा माँ बाप जो गरीब था ना उन्होंने मुझे जिम्मेदारों का नौकर लगाया ए, मैंने कहा मैं काम करूँगा मुझे रेडियो लेके दे। मैं मैच देखता था मैं जहाँ भी जाता हूँ अलहदुल्ला लोग सेल्फियां बनाते हैं कहते हैं इतना वायरल हो के भी बेचारा फिर भी वो ही धक्के खा रहा है पीसी भी में हजारों काम होते हैं इसको कोई अच्छी सी जॉब दी जाए और ये अपने बच्चों का कुछ बना सके आपने कभी ट्राई किया में? में पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कदर नहीं। बारिश भी होती है तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है उन्हें गुजारा जी बहुत मुश्किल होता है छापर ऊपर हमने दिया हुआ और पिछले हफ्ते पानी अंदर तक आ गया था और मेरे जूते बाहर चले अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं आपकी मेज़बान फाइकराना और आप देख रहे हैं बार डिजिटल नाजरीन हमारे साथ इस वक्त जाहिद इकबाल मौजूद हैं जो जोके, कि चौकीदार हैं और इंटो को पानी लगाने का काम करते हैं लेकिन खास बात यह है कि ये कमेंट्री बड़ी अच्छी करते हैं इनसे जान लेते हैं कि ये किस तरह कर लेते हैं भाई हमसे तो नहीं होता अस्सलाम वालेकुम सलाम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ अच्छा आपने कोई स्टडी वगैरह की हुई है कितना पढ़े हुए हैं मैं एक क्लास भी नहीं पढ़ा कुछ भी नहीं पढ़े हुए नहीं

वाँ वाँ और इतनी अच्छी कमेंट्री की समझ भी आ रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं अच्छा जिस तरह का अब पी का हाल चल रहा है तो क्या लगता है कौन जीतेगा मुझे लगता है यही है कि पिशावर जलमी जीतेंगी और मैं बाबर आजम को सपोर्ट करता हूँ अच्छा। और इसके बाद मुल्तान के चांसेस है मोहम्मद रजमान अच्छी मेहनत कर रहा है टीम को तो ये दोनों टीमें इस, इस में आगे आने वाली yeah pakistan in 2024 HBL psl in Kisophi stadium lahore is a very good crowd and family members and with the young guys and enjoy to HBL psl good open ceremony in pakistan i, I love this in the game by very good open ceremony in pakistan वाह वाह आपने तो रमीज राजा को भी पीछे छोड़ दिया पाकिस्तान के मतलब आप जो है वो इंटे इंटो को पानी लगाने का काम करते हैं और साथ साथ कमेंट्री का शौक कैसे पैदा हो गया जी मैं पहले गांव में था और मेरा माँ बाप जो गरीब था ना उन्होंने मुझे जिम्मेदारों का नौकर लगाया मुझे रोटी साथ में बांध के देते थे और मैं भैंस से था, था और ए, मैंने कहा मैं काम करूँगा मुझे रेडियो ले दे। मैं मैच देखता था, था तो वो रेडियो से मैंने ये काम स्टार्ट किया और अपने आप मैंने सीखी कितनी उम्र से जो है वो कमेंट्री कर अब मेरी बत्तीस साल एज है और तकरीबन मैं दस साल से ये कमेंट्री अगर आपको चांस मिलता है आगे जाने का अगर कोई आपको स्पॉन्सर करता है तो क्या कैसा फील होगा मैं जहाँ में जाता हूँ अलहमदुल्लह भाजी आप मेरी बहन है तो मुझे लोग सेल्फिया बनाते हैं कहते हैं इतना वायरल हो के भी बेचारा फिर भी वो ही धक्के खा रहा है ये इंटरनेशनल कॉमेटेटर तो नहीं है इसको वो जरूरत नहीं है इसको पीसीबी में हजारों काम होते हैं इसको कोई अच्छी सी जॉब दी जाए और ये अपने बच्चों का कुछ बना सके अच्छा पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है तो पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह शिकस्त खा रही है तो इस पर किस तरह से कमेंट्री करेगा जब इंडिया से पाकिस्तान बुरी तरह शिकस्त करता है तो उस दिन मैं खाना ही नहीं खाता तो उनके खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा उनको हराने में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चले फिर इंडिया आ रहे ये पाकिस्तान इन द 2023 वर्ल्ड कप अगेन अबू धाबी एंड 10 wickets and a win match. King Bauer, Mahmoud Rizwan. What an unbelievable innings. And no wickets gone. 156 runs in run Ranches. Pakistan, great uh, uh, opening stand. Unbelievable superstars and the bowling attack and batting slide. I love this in the King Bauer team. And the future is uh, good batting. बहुत अच्छी कमेंट्री uh, है और इंग्लिश आपने सीखी कहाँ से है जी मैंने आपको बताया कि अकेला बैठा होता था जब वैसे और ऐसे ही तुक्के लगाता था एंडी वेरी वेरी गुड ये जी वो ये मैंने किया हो गया अच्छा मैं कुछ क्रिकेटर्स के नाम लूंगी आपने उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा कुछ बोलना है बाबर आजम के बारे में तो आपने बोल दिया आप शहीन के लिए क्या बोलेंगे शहीन माशाल्लाह माशा चैलेंज प्लेयर्स and the Leather captains and T20 Pakistan first time in team captain Pakistan problem to bowling and Ranji the tour to Australia and tour to New Zealand two series in back to back dismisses in Pakistan. try <laughs> PCB बहुत दफा किया है और कोई पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कदर नहीं है मुझे बाहर से फोन काफी आते हैं पहले पहले जब आते थे इंडिया से काफी हमारे देश में आ जाओ ये करो वो करो मैंने कहा आपके साथ तो मैं इस्लाम भी नहीं लेना पसंद करता और अल्हम्दुलिल्लाह भूखा मर जाऊंगा और पाकिस्तान अपने मुल्क के साथ है चाहे मुल्क हमारा हमारे साथ लॉयल ना हो जी हाँ इंशाल्लाह हो गया अच्छा अगर किसी से मिलने का मौका मिले आपको आपके फेवरेट क्रिकेटर से तो उधर जाके उसके लिए क्या कहेंगे मैं खुशी से हो जाऊंगा मुझे लालच नहीं है कि ये मुझे मुझे दे तो मुझे काफी शौक है और मिलना चाहता हूं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मौका दें इनशा मिलने से क्या होता है हज़रत का सलाम तो सब लेते हैं और मैं मुसलमान हूँ अलहमदल और मेरा फोकस इनशा होता है और हफीज भाई थोड़ा सा सख्त தே ਉਸਤੇ કોવર કા ટાઈમ થા તો મે મિલને લગા તા ઉસને કહા યાર કોરોના હે ઓર ટચ ન કરો તો ફિર મે ગુસ્સે સે ચલા ગયા મેને સેલ્ફી નહી લી ઓર પીછે સે ઉસને મુજે જપ્પી ડાલ કે ફિર તસવીર જી નાઝીના હમ આપકો ઇસ વક્ત ભી ઇનકા ઘર ભી દિખાયેંગે જહાંપર યે રહેતે હે જહાંપે યે સોતે હે ઓર કિસ તરહ સે જો હે યે કામ karte હે ਛोटा सा टेंट લગાયા હુઆ હે ઇનહોને ઓર ઇસ યહા પર દો ચાર પઈ ઓર સિમેન્ટ કા કુછ સામાન હે યહી પર રહેતે હે આપ જી જી ઇસ તરહ સે मच्छर बहुत है हाँ जी अभी घर तो कहा है आप घर जड़ा वाले फैसला दो सौ तो आ, शादी हुई भी है जी तीन बेटे हैं है अच्छा। तो ये घर वालों से दूर रहना मुश्किल नहीं होती काफी मुश्किल है वो भी मुश्किल है सब्जी पाटे और मटर का काम का चल रहा है बच्चे भी काम पढ़ा नहीं सकता अभी खर्चे नहीं पूरे होते और बीवी भी दिहाड़ी कर तो यहाँ पे मुझे दो चार पाई नजर आ रही हैं तो क्या इस छोटी सी जगह पे दो लोग सोचते नहीं बाजी वो वैसे एक पड़ी उस पे बर्तन अच्छा, है। तो ये सीमेंट किस लिए पड़ा हुआ है ये हम इधर रखते हैं जब काम शुरू होता है इधर से उठा के उधर जब प्लस्तर हो जाएगा कच्चा हो जाएगा ये अंदर चले जाएंगे मैं हैरान हूँ की इतनी ठंड है बारिश भी होती है तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है उन्हें गुजारा बहुत मुश्किल होता है छापर ऊपर हमने दिया हुआ है और पिछले हफ्ते पानी अंदर तक आ गया था और मेरे जूते बाहर चले अच्छा। काफी बारिश हुई थी तेज लाहौर में हमारी हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को को देखें उन पर नज़र डालें कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजार रही हैं इनकी हेल्प की जाए अच्छा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जी उनमें से बहुत शुगर गुजार उनका हर मुश्किल घड़ी में वो मेरा साथ देते हैं तो मैं तो उनको दुआ देता हूँ अल्लाह ताला उनको और ज्यादा तरक्की दे वो में तो मैं हूँ और इस पाकिस्तान में तो किसी ने ज्यादा मेरी यानी देखने की नहीं जरूरत की और ओवर सील पाकिस्तानी अलहमदिल्ला काफी अच्छे तो जी नाजिन ना और आगे माह रमजान आ रहा है तो इनके लिए जो है वो गुजारा करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा तो जिन लोगों ने हेल्प करनी है वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि अपने बच्चों के और अपने घर वालों के लिए कुछ कपड़े भी ले सकें और खाने पीने की चीज़ें भी ले सकें